नारद जी को भगवान ने निमित्त बनाकर उनसे शाप ले लिया। बंच हुमौ ही जवनि धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम येहा, कपिया कृत तुम कीनि हमार, करिहि कीस सहाय मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने शाप सिरोधार्य किया और माया शक्ति के प्रभाव को खींचा। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा। तब नारद जी शरण में आ गए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने बहुत दुर्वचन कहा, मेरे सब बात झूठी हो, शाप झूठे हो। भगवान ने कहा नहीं, सब सत्य हो। क्यों? ये मेरी इच्छा थी अवतरण की, सो आपसे मैंने शाप लिया। अरे राम राम राम, रुद्र गणों को भी नारद जी ने शापित किया है, असुर शरीर धारण करो, भगवान तुमको सदगति प्रदान करेंगे, निमित्त बनना है हो। और निमित्त बनने के लिए हमको सत्य का निमित्त बनना है, सदकर्म का निमित्त बनना है, यज्ञ का निमित्त बनना है, भगवत भजन का निमित्त बनना है, मंदिर का निमित्त बनना है, विषय वासना का निमित्त नहीं बनना। निमित्त सदकर्मों का बना जाए, श्रेष्ठ कर्मों का बना जाए, उत्तम कर्मों का बना जाए, उत्तम विहार का बना जाए। जो स्मरण करे वो हमारे सत्कर्मों के नाते करे, हमारे सुंदर व्यवहार का स्मरण उसको हो। तो एक कारण ये, अब सृष्टि के आदि माता पिता सतरूपा जी और मनु जी के कठोर तप का प्रसंग है। बाबा इसको विस्तार से सुनाते हैं माँ को। अपर है तो सोनो अन्य कारण विशिष्ट है, जिस कारण से निर्गुण भगवान सगुण रूप में आए। किस कारण से आए? मनु सतरूपा जी ने नैमिषारण्य में कठोर तप किया, 23,000 वर्ष तक कठोर तप। एहबिद बीते बरस खट सहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर। बरस सहस दस त्यागे सो ठाढ़े रहे, विधि हरि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए मांगहु बर।
बहु भांति लुभाई, परम धीर नहीं चलाई। प्रभु सर्वज्ञ दास नृपुरानी गति, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपुरानी। मांग मांग बरु भय परम गंभीर कृपा मृतिसानी। मनु जी महाराज और मैया ने कहा, हे प्रभु देखई हम स्वरूप भर लोचन। कौन रूप? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही लागी मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मान सहंसा, सगुन अगुन जही देखई हम स्वरूप भर लोचन। भगवान प्रत्यक्ष हो गए, नील सरोर नील मन नील नील धर श्याम, कोट कोट मनु जी ने रूप दर्शन किया और भगवान के चरणों में आए। भगवान सिर पर से प्रभु ने जकर कंजा तुरंत उठाए, उठा करके बोले, हे राजन, दानियों में श्रेष्ठ दानी जानकर हमसे आपकी जो भावना हो इच्छा हो मांग लीजिए। देखिए भगवान से भजन करते हुए कभी भी संसार का सामान नहीं मांगना चाहिए। क्यों? अरे वो तो जो प्रारंभ से बात तो मिलबे करी, प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान से संसार का सामान क्यों मांगना? वस्तुतः संसार का सामान वही मांगता है जो भगवान से अपने को दूर मानता है। मनु जी शत्रुपा मैया की ओर देखकर प्रभु कहते हैं, दान में श्रेष्ठ दानी, दानियों में महादानी समझकर आपकी जो इच्छा है वो मांगिए। मनु जी बोले, प्रभु आपके श्री चरण दर्शन करके हमारे सब काज पूरे हो गए, एक लालसा बची है, आपको देने में सुगम है, हमको मांगने में अगम है। आप तो सबके हृदय में बसते हैं, जानते हैं, सो तुम जानो हु अंतर जामी, जामी पूर्व हु मोर मनोरथ स्वामी। आप जानते हैं हम क्या चाहते हैं, नहीं रहे, आप मांगिए। क्यों? मनुष्य के हृदय में एक इच्छा रहती ही नहीं है। शायद ही कोई आपको मिलेगा जिसके हृदय में एक इच्छा। एक बार एक माई मिलने आई किसी कथा में, बोली, महाराज लड़का का नौकरी लग जात। हमने कहा, हो माई रामायण जी का पाठ करो। थोड़ी देर बाद कही, महाराज बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है। भैया चलो जय जय गिरवर राज किशोरी का पाठ करो। साथ में उसकी भौजाई भी थी। कहा, महाराज इसके अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा, माई इकट्ठे सब बता देव हमका, और पहले वहाँ 1,00,000 रुपए की रसीद कटवाओ। तो कही, रसीद? रसीद का है? हमने कहा, माई फ्री में कोनो डॉक्टर देखता है क्या? भगवान से तुम इकट्ठे इतना सामान चाह रही हो और जय जगदीश रे संकट में पड़े, ऐसा नहीं। हम भगवान से ऐसा चाहते हैं कि सबके घर का सामान हमारे घर की शोभा बढ़ावे, लेकिन घर से कुछ जाना नहीं नहीं चाहिए। ऐसा कैसे होता है जी? मेरी आपसे प्रार्थना है, जगत का सामान मांगो ही नहीं। चलो मांग लिया,
मांगते कब हैं, जब हम ये मानते हैं कि जो उनके पास है वो हमारा नहीं है, जब तक हमारे पास ना आ जाए तब हम मांग रखते हैं। इसी से दहेज का प्रारंभ है। बिना मेहनत के जितना खसोट लो अपना, ये नहीं लगता है कि अपना जो कमा करके पसीना खून जला करके पाएंगे वही अपना है, मांग कर ले लोगे वो भी अपना नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं गिरी जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत से नहीं तकनीक से प्राप्त किया है। और तकनीक से प्राप्त की कोई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, जिसका है उसी का वो रहेगा।